किसी व्यक्ति के शरीर के हिसाब से उसका वजन और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, इसको मापने के लिए बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है। आपको बता दें कि अब देश का बॉडी मास इंडेक्स बदल गया है। दरअसल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने देश में महिला और पुरुष के लिए आदर्श वजन में थोड़ी तब्दीली करते हुए 5 किलो का इजाफा किया है। नए नियम के मुताबिक जहां 10 साल पहले किसी पुरुष के लिए आदर्श वजन 60 किलो था, उसे बढ़ाकर 65 किलो कर दिया गया है, तो वहीं महिला का आदर्श वजन 50 किलो से बढ़ाकर 55 किलो हो गया है। इसके अलावा महिला और पुरुष के लिए आदर्श लंबाई को लेकर कुछ बदलाव हुए हैं। नए नियम के तहत जहां पहले पुरुष के लिए आदर्श लंबाई 5 फुट 6 इंच यानी 171 सेंटीमीटर थी, उसे अब 5 फुट 8 इंच यानी 177 सेंटीमीटर कर दिया गया है, तो वहीं महिला के लिए 5 फुट यानी 152 सेंटीमीटर आदर्श लंबाई अब 5 फुट 3 इंच यानी 162 सेंटीमीटर तय की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के वैज्ञानिकों ने बताया कि बीएमआई में इसीलिए बदलाव किया गया है क्योंकि भारतीयों के पोषक खाद्य तत्वों के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि साल 2020 के सर्वे में ग्रामीणों को भी शामिल किया गया है, जबकि 10 साल पहले केवल शहरी इलाकों को ही सर्वे में शामिल किया गया था। आपको बता दें कि साल 2020 में किया गया ये सर्वे अब तक किए गए सभी सर्वों में सबसे बड़ा है। इसमें वैज्ञानिकों के पैनल ने पूरे देश से डेटा लिया है, जिसमें सभी संस्थानों की स्टडी को शामिल किया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।